वेलकम टू इंक्रेडिबल फिशरीज अगेन। सभी किसान भाइयों को एक बार फिर से मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इंक्रेडिबल फिशरीज में। मैं शिवम पांडे आपके साथ आज बात करूंगा कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मत्स्य पालन के बारे में, कि मछलियों को कौन से मौसम में किस मछली का कल्चर करना है, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। कई बार किसान भाई गलती करते हैं गलत मौसम में गलत मछलियां पालने की और गलत मछलियों के साथ गलत मछलियों को पालने की, तो ये चीजें आपको वीडियो बताने, वीडियो के किसी पार्ट को बिना स्किप किए हुए आपको लगातार अंत तक बने रहना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे मिस ना होने पाए। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, किसान भाइयों के साथ शेयर करें। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज बताऊंगा भाइयों की कौन सी मछलियां किस किस साथ कल्चर होती है, मतलब कई मछलियां जो है हर मछली के साथ कल्चर नहीं होती है। मैंने जो अपने एक्सपीरियंस में देखा है, फील्ड विजिट में देखा है, कई बार लोग किसानों को मिसगाइड कर देते हैं, मतलब कई मछलियों जिनके साथ में जैसे तिलपिया के साथ में पंगेसियस का कल्चर करा दिया, जो मतलब एक बहुत ही बेकार कल्चर है, नहीं हो सकता। वो मछली पंगेसियस हमेशा सेंसिटिव मछली है और सिंगल मोनो कल्चर उसका बहुत ज्यादा सही होता है। तो कई बार मैंने देखा कई चीजें हैं कि मतलब मृगल वगैरह के साथ पंगेसियस कल्चर कर दिया, कई बार ये चीजें सक्सेस होती हैं, लेकिन आपके साथ में सक्सेस हो जरूरी नहीं है। किसान जो होते हैं, जो मतलब बड़े किसान होते हैं या जो लोग एक आध बार फिश फार्मिंग कर लेते हैं, वो अगर अपनी टेक्निक पे सक्सेस हो जाते हैं तो दूसरों को भी वैसे ही सलाह देते हैं, भले वो साइंटिफिक ना हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि तुक्का लग जाता है कभी कभी कि मछलियां चल गई, बड़ी मछली छोटी मछली रख दिया तो साथ में आ गई, लेकिन अगर आप भी करेंगे उस तरह तो जरूरी नहीं है कि आपका भी कल्चर सक्सेस होगा, आपका भी जो मछलियां हैं वो ग्रो कर जाएं। कई बार मैंने ये देखा है अपनी आंखों से देखी हुई किसानों का नुकसान, वो मैं आपके सामने आज दिखा रहा हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो अभी का सीजन आ रहा है गर्मी और बरसात का, इस टाइम पे आपको मार्च से अप्रैल के समय के बीच में ही पंगेसियस का स्टॉक करना है। सबसे ज्यादा आजकल पंगेसियस कल्चर में, कैटफिश कल्चर में कर रही है, तो चल रही है। तो मैं बता दूं कि ठंडी के टाइम पे किसी भी हालत में पंगेसियस का कल्चर नहीं करना है। ठंडी के टाइम पे मछली सेंसिटिव होती है, पंगेसियस का ग्रोथ रेट बहुत कम होता है, फीड ही नहीं खाती है, बहुत कम फीड खाती है। तो आपको गर्मी के टाइम में ही हमेशा मार्च या अप्रैल के टाइम में ही पंगेसियस का स्टॉक अपने तालाब में करना है, ताकि वो 6 से 8 महीने में यानी ठंडी आने के पहले आपकी कल्चर निकाल देगी। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि पंगेसियस का कल्चर ठंडी के टाइम पे ही निकालना है, निकाल देना है, मतलब ठंडी के पहले पहले निकाल देना है। मार्च या अप्रैल के समय कल्चर करेंगे, 6 से 8 महीने में आपकी ठंडी के पहले पहले कल्चर निकल जाएगा। तो पंगेसियस के बारे में ये चीज ध्यान रखेंगे, पंगेसियस मछली के साथ किसी भी अन्य मछली का कल्चर आप ना करें तो ज्यादा बेहतर है। अगर आप कई ऐसी मछलियां जैसे मृगल वगैरह कभी डाल देते हैं तो काम चल जाता है, कॉमन कार्प का काम चल जाता है, बट आप किसी भी मछली का कल्चर ना करें, पंगेसियस का मोनो कल्चर ही करें तो बहुत ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पंगेसियस बहुत सेंसिटिव और बहुत ही ज्यादा मतलब सिंगल पसंद करने वाली, मतलब मोनो कल्चर को पसंद करने वाली मछली है। उसको मोनो कल्चर में जो ग्रोथ हो सकती है वो उसकी ग्रोथ उसके साथ में नहीं हो सकती किसी मछली के साथ में। तो आप कोशिश करें कि पंगेसियस का कल्चर आप मोनो कल्चर में ही करें। दूसरी बात आती है सिंगी और पापड़ा की। पिछले कई वीडियोस में मुझे कमेंट आ रहे थे कि सर क्या पंगेसियस के साथ सिंगी और पापड़ा कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं कैट फिशेस से दोनों, बट मैंने कई बार आपको कहा कि जो हाई वैल्यू फिशेस हैं पंगेसियस के साथ सिंगी और पापड़ा आप करेंगे तो आपको हो सकता है वो ग्रोथ रेट ना मिले जो उसकी मोनो कल्चर मिलेगी। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो सिंगी और पापड़ा मछलियां हैं इनका मोनो कल्चर ही करें, आप किसी भी अन्य मछली के साथ इनका कल्चर ना करें तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, मछली की ग्रोथ आपको बहुत अच्छी मिलेगी। आईएमसी और ईएमसी की बात करें, रोहू, कतला, मृगल, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प की, तो ये मछलियां 10 से 12 महीने में आपको 1 केजी का कल्चर देने वाली है, लेट ग्रो करती है। इन मछलियों का कल्चर आपको करना है अभी जो जून जुलाई के आसपास इनका ब्रीडिंग शुरू होगा, जुलाई अगस्त के आसपास मानसून के समय इनकी ब्रीडिंग होती है, तो बच्चे मिलते हैं इसी समय आपको स्टॉकिंग करनी है, ताकि आने वाले जो मौसम है 10 से 12 महीने का जो मौसम होगा, जो अगला ब्रीडिंग पीरियड होगा, देखिए इनका पंगेसियस की ब्रीडिंग आजकल और रोहू कतला मृगल की ब्रीडिंग आजकल इंड्यूस ब्रीडिंग के थ्रू आप 2 से 3 बार साल में करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो स्टॉकिंग टाइम है, प्रॉपर स्टॉकिंग टाइम जो जून जुलाई अगस्त का है, ये बहुत अच्छा रहता है आईएमसी और ईएमसी के लिए। रोहू कतला मृगल, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प के लिए स्पेशली अमूर कार्प वगैरह है, इनके लिए सबसे अच्छा टाइम जून जुलाई अगस्त का है। इस टाइम पे आप स्टॉक करेंगे तो आने वाले ब्रीडिंग टाइम के पहले आपको इनका कल्चर 1 केजी के आसपास का मिल जाएगा, मतलब बिकने लायक आपकी मछलियां हो जाएंगी। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें। मैं आपको स्पेशली आज इस वीडियो में दो ही मछलियों के बारे में बताने वाला हूँ जो ज्यादातर कल्चर होती है, एक तो आईएमसी ईएमसी है और दूसरी पंगेसियस है और सिंगी पापड़ा जो हाई वैल्यू फिशेस है। अब ये बात आपको बता दूं कि जो रोहू कतला मृगल है, ये जो मछलियां हैं ये कई बार फीड जो है मतलब फीडिंग के ऊपर भी, नेचुरल फीडिंग के ऊपर भी डिपेंड होती है, मतलब आप इनको एक टाइम दाना खिला और एक टाइम जो गेहूं की खली है, चावल की खली है, सोयाबीन की खली है, ऐसी चीजें खिला के भी आप मैनेज कर सकते हैं, बट पंगेसियस को 2 टाइम का प्रॉपर फीड आपको चाहिए, प्रॉपर आर्टिफिशियल फीड आपको 2 टाइम का देना पड़ेगा पंगेसियस को, वही उसके लिए ग्रोथ होगी। आईएमसी ईएमसी के लिए आप 1 टाइम का दाना और 1 टाइम का जो है शेड्यूल, वो एक टाइम के फीड शेड्यूल में आप गेहूं की खली, चावल की खली, धान की खली, ये चीजें आप देखें उसका काम चला सकते हैं। और दूसरी अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात आ रही है, कौन सी मछली कल्चर कौन सी मछली के साथ करना है, आईएमसी यानी रोहू कतला मृगल, ईएमसी यानी सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, इनका कल्चर आप 6 का साथ में कर सकते हैं,
तीन का साथ में कर सकते हैं। कतला रोहू के साथ आप कॉमन कार्प रख सकते हैं, कतला रोहू के साथ आप ग्रास कार्प रख सकते हैं, कॉमन कार्प सिल्वर कार्प के साथ आप मृगल रख सकते हैं। ऐसी जो मतलब इनके साथ जो आप एक्सचेंज है वेरियर एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन पंगेसियस के साथ में तिलपिया, पंगेसियस के साथ में मांगुर, ये चीजें पंगेसियस के साथ में पाकू यानी जो मछली आजकल कैटफिश बहुत ज्यादा डिमांड में आ रही है, पाकू फिश, पाकू रूपचंद जिसको बोलते हैं, इनके साथ में इसका कल्चर ना करें। पंगेसियस का कल्चर आप मोनो कल्चर करें। कैटफिश के साथ कारफिशेस का कल्चर ना करें। कैटफिश के साथ कारफिशेस कल्चर कई जगह सक्सेस नहीं होता है, कई जगह होता है बट आपका हो जरूरी नहीं है। तो कारफिशेस का कल्चर कैटफिशेस के साथ ना करें। कैटफिशेस कार्निवोरस नेचर की होती हैं, तो आपकी कारफिशेस के लिए नुकसान पहुंचा सकती है, तो ये चीजें ध्यान रखना है। कारफिशेस कल्चर कैटफिशेस के साथ ना करें। हाई वैल्यू फिशेस का कल्चर सिर्फ मोनो कल्चर करें, जो ज्यादा वैल्यू की मछलियां हैं पापदा सिंगी पंगेसियस इनका कल्चर आप सिंगल कल्चर करें, मोनो कल्चर। कार फिशेस में आप 6 मछलियां, 3 मछलियां, 4 मछलियां, 5 मछलियां ऐसे जो आईएमसी और ईएमसी का कल्चर साथ में कर सकते हैं आप। अमूल कार्प, ग्रास कार्प इनका यूज आप कर सकते हैं। कॉमन कार्प की जो वैरायटी है जयंती रोहू है, इनका यूज आप कर सकते हैं। जयंती रोहू रोहू की वैरायटी है, कॉमन कार्प की जो अमूल कार्प है ग्रास कार्प है इनका यूज आप कर सकते हैं। तो आईएमसी ईएमसी का मतलब इंडियन मेजर कार्प एक्जॉटिक मेजर कार्प का कल्चर आप साथ में कर सकते हैं। लेकिन जो कैट फिशेस है कार्प फिशेस के साथ उनका मत करिए आप, मेरा ये सलाह है आपको पर्सनली कि आप मत करें तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। कैट फिशेस का कल्चर हमेशा मोनो कल्चर करें, कार्प फिशेस का कल्चर आप जरूर से जरूर पॉली कल्चर करें ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो बिल्कुल किसान भाइयों को इन चीजों का ध्यान रखना है और अपने कल्चर को बचाने के लिए किसी भी अफवाहों पे बिल्कुल नहीं पड़ना है और इन चीजों को जो वीडियो बता रहा हूँ बिल्कुल बारीकी से ध्यान रखना है और कल्चर इसी तरीके से करना है। मेरी जो सलाहें हैं आपके लिए बहुत यूजफुल हैं, तो इस चीजों का ध्यान रखें और साथ ही अपने किसान भाइयों तक पहुंचाएं जो मिसगाइडेंस में फंस रहे हैं, तो उनके सामने ये जानकारी आ सके, उनके तक ये जानकारी जरूर पहुंचाए। इसी के साथ ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इंस्टाग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन पे और फेसबुक की लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज बता सकते हैं और अपने कमेंट के माध्यम से आप कमेंट करिए। अगर आपके साथ ऐसा हो चुका है आपने गलत कल्चर किया तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। और इसी तरीके की वीडियो के लिए आप देखते रहेंगे सीरीज, आपको ऐसी ही जानकारियां मत्स्य पालन से जुड़ी मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।